नमस्कार, फ्लावर्स इन किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर, जिसमें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो हैबिस्कस प्लांट की कटिंग्स ग्रो करी थी उनकी अभी क्या कंडीशन है, वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, कितनी कटिंग्स ग्रो हुई है और किस तरीके की मिट्टी में मैंने उन्हें ग्रो किया है, आप उन्हें और किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन और पे प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस, खूबसूरत फूलों के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। कुछ नए फूल जो अभी मेरे बगीचे में खिले हैं और बहुत ही खूबसूरती से मेरे बगीचे की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये फूल, जब इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल को ठंडक पहुंच गई हो। और ये देखिए, ये है ब्यूटीफुल पिंक हाइबिस्कस जिसकी मैंने कटिंग, रिपॉटिंग और उसके सॉइल मिक्स की आपके साथ वीडियो शेयर करी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चार कटिंग्स लगाई थी और चारों कटिंग्स में से सिर्फ दो ही कटिंग, तीन कटिंग ग्रो हुई थी, लेकिन हो सकता है नीचे रूट डेवलपमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस वजह से सिर्फ दो ही कटिंग सर्वाइव कर पाई है। एक कटिंग चलते चलते ही मर गई और ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं चली। और यहाँ पर देखिए, दो कटिंग काफ़ी अच्छे से चल गई हैं, उनमें काफ़ी कलियाँ भी आ गई हैं और फूल भी खिलने लगे हैं इनमें। और यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल और जो मैं मिक्सचर हमेशा बनाती हूँ उसी मिक्सचर में मैंने इस प्लांट को, इस कटिंग को ग्रो किया है। और ये देखिए, एक और कटिंग्स यहाँ पर अच्छे से चल गई थी, बट हो सकता है मेरी मिस्टेक की वजह से, या सनलाइट में ज़्यादा रख दिया था मैंने इसको, तो हो सकता है उस वजह से सूख गई हो। और नीचे रूट सिस्टम भी जब ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है तो वो दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं करने देता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और देसी हाइबिस्किस का अभी समय है और देखिए, यहाँ पर वाइट एफिड्स का भी अटैक होने लगा है फिर से और मिली बग्स आने लगी हैं। तो आप नीम ऑयल से स्प्रे कीजिए या रोज़ अगर आप अपने प्लांट को पानी से भी वॉश कर देंगे ना तो भी ये आपको अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अगर गर्मियों में आपको कोई कटिंग ग्रो करनी है तो देसी हाइबिस्किस की कटिंग ग्रो कीजिए, ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से इसमें फ्लावरिंग भी होती है। आप इसे एक महीने के लिए सेमी शेड एरिया में रखिएगा, मैंने इसे एक महीने के लिए सेमी शेड एरिया में रखा है और जब इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई तब मैंने इसे फुल सनलाइट में रखा है और सिर्फ 5 इंच के गमले में मैंने ये कटिंग ग्रो करी है। अब मैं इस कटिंग को अच्छे बड़े पॉट में लगा दूंगी ताकि काफ़ी अच्छी तरीके से ये कटिंग ग्रो होती रहे और ये प्लांट अच्छे से बड़ा हो जाए और अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। और देखिए, अभी छोटे से पॉट में ही इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही आसान है देसी हाइबिस्कस को गर्मियों में ग्रो करना। तो अगर आप गर्मियों में कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो ये देसी हाइबिस्कस बहुत ही अच्छी वैरायटी है। एक और हाइबिस्कस, इससे पहले मैंने आपको रेड कलर का दिखाया था, वो भी गर्मियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। ये दोनों हाइबिस्कस काफ़ी अच्छी तरीके से गर्मियों में ग्रो भी हो जाते हैं कटिंग से और ब्लूमिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में जगह दीजिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।